अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की ओर से शनिवार को झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की जयंती हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। इस मौके पर परिषद की ओर से शहर के एसडी कॉलेज परिसर स्थित उद्यान में एक सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। समारोह में कविता पाठ व रंगोली प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें एसडी कॉलेज की छात्राओं ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। कार्यक्रम में विश्वविद्यालय संयोजक आसुराम एवं जिला संगठन मंत्री अनिल कुमार ने अतिथियों के रूप में शिरकत की। इस मौके पर संयोजक आसुराम ने अपने उद्बोधन में बताया कि रानी लक्ष्मीबाई ने अंग्रेजों से लोहा लेते हुए अपना राज सर्वस्व न्योछावर कर दिया। उन्होंने कहा कि उसी की तर्ज पर आज नारी शक्ति को सक्षम बनाने के लिए समाज में संघर्ष कर अन्याय के खिलाफ लड़ना चाहिए एवं रानी लक्ष्मीबाई के जीवन से प्रेरणा लेकर आगे बढ़ना चाहिए। इस मौके पर हुई विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिता में भाग लेने वाली छात्राओं को पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम के दौरान हुए काव्य पाठ में राष्ट्रभक्ति की कविता में महिमा कुमावत ने प्रथम स्थान, ईशा शर्मा ने द्वितीय स्थान तथा खुशी कुमावत ने तृतीय स्थान के लिए पुरस्कार देकर सम्मानित किया। इसी प्रकार राजस्थानी वेशभूषा में नृत्य कर प्रथम स्थान पर मनीषा कुमावत, द्वितीय स्थान पर योगिता शर्मा एवं रंगोली ग्रुप में कीर्ति चौहान, मुस्कान तथा ज्योति ने उत्कृष्ट रंगोलियां बनाकर पुरस्कार प्राप्त किया। कार्यक्रम के दौरान छात्र संघ अध्यक्ष गजेंद्र सिंह रावत, उपाध्यक्ष पंकज सिंह, महासचिव हर्ष गर्ग, नगर मंत्री मोहित सोढ़ा, सचिन सिंह, दीक्षांत हरचंदानी, दिनेश सिंह, सुमित चौहान, मानवेंद्र सिंह, सुरेंद्र सिंह, नमन राठी, जीतू बंसल तथा लोकेश आदि मौजूद रहे।